महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोग चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचे। जो लोग कहते थे कि सावरकर जी को भारत रत्न मिलेगा तो वो दिन काला दिन होगा। महाराष्ट्र हरियाणा की जनता ने सावर जी को भी भारत रत्न मिले इस पर मोहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को राष्ट्रवाद का दिया बताया। कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीति और ना ही नियम। कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल की ओर चल रहा है। के चुनाव देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचे जो लोग कहते थे कि सावरकर को भारत रत्न मिलेगा तो वो दिन काला दिन होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने सावरकर जी को भारत रत्न मिले इस बात पर भी मोहर लगाई है। इन परिणामों के माध्यम से जनता ने माननीय मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी की प्रखर राष्ट्रवाद का दिया दीपावली के दिन जलाकर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, माननीय मोदी अमित शाह की जोड़ी को दिया है। मित्रों, कांग्रेस के पास अब न नेता है, न नीति है, न नियत है, और उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस का सूर्य अब अस्ताचल की ओर है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी कांग्रेस, वैसे अभी भी नेतृत्व भी नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं, जो है वो प्रचार नहीं करते, जो प्रचार करते हैं वो अध्यक्ष नहीं। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि झाड़ुआ परंपरागत कांग्रेस की सीट है। जब हमने लोकसभा जीती तब भी वो सीट विधानसभा में कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन हमारे भानु भूलिया बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी परिणामों में समय है, इसमें क्या लगने वाली बात है? अभी भी बहुमत तो है नहीं उनका, 115 टच करने के बाद ही बहुमत तो है नहीं, अल्पमत की सरकार तो अल्पमत की रहेगी। ये कहीं भी कर ले, सरकार ऊहापोह की स्थिति में चल रही है मध्य प्रदेश की। ये कह तो कुछ भी सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है।